वेल है गाइस, आज डेट अपनी 20 तारीख है और आज संडे है। तो क्योंकि आज मोटर ब्लॉग से स्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज संडे तो मोटर ब्लॉग की भी छुट्टी रखने वाले हैं। तो आज के जो प्लान्स हैं वो यही कि सुबह सो के उठाओ, एक बज चुका है देखो अभी, लेकिन अभी जो है वो नहाया धोया नहीं क्योंकि जो आज मैं काम करने जा रहा हूँ उसमें पूरा गंदा हो जाऊँगा, तो शाम के टाइम नहाना धोना कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लॉकडाउन में जब इतने ज़्यादा तो खाना पीना तो और कहीं आना जाना तो हुआ ही नहीं है, तो उस हिसाब से जो वेट था काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला गया था। बट अब जैसे कि जिम ज्वाइन कर लिया है तो कोई इतनी बात नहीं, लेकिन उस टाइम पे मुझे एक चीज़ की रट लग गई थी कि साइकिल लेनी, जैसे नान कताई वाला आता है ना कि नान कताई लेके दो। तो इस तरह मैंने साइकिल की रट लगाई और साइकिल के लिए मान भी गया, साइकिल मैंने ले भी ली, बट काफ़ी दिनों से जो साइकिल का कुछ अता पता नहीं है। तो इस वीडियो में वही दिखाऊंगा साइकिल कहाँ है और किस कंडीशन में है, और पूरी अच्छे से दिखाऊंगा ठीक है कौन सी साइकिल है। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, तो बने रहो वीडियो में ठीक है, लेट्स गो। तो अभी जो सेटअप हो रहा है पूरा वो कुछ इस टाइप का हो रहा है ठीक है, कोई ऐसा इतना खास नहीं है सेटअप, बट तो जो थोड़ी मोटी चीज़ें मैंने रख रखी डेकोरेशन के लिए वो एक तो ये ट्री रख रखा है, ये पिलो रख रखा है, कभी तो कोई काम कर लेगा आलसी गिफ्ट में मिला था, ये होम थिएटर रखा है जो मैं बजाता नहीं हूँ, और ये कुछ ऐसी है, ये क्या है भैया, अरे मामा छोटे छोटे कोई बात नहीं, तो चीट वैसी लगी हुई है। तो यहाँ जो माउस रखा है अभी, तो इसकी जगह यहाँ लैपटॉप रख लेता हूँ, वहाँ से एडिटिंग कर लेता हूँ, बट कुछ टाइम बाद मे बी डेस्कटॉप में पीसी अपना रखने वाला हूँ अच्छी तरीके से। ये हेलमेट, ये जैकेट ठीक है, इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल हिलता नहीं है। और यहाँ जो है वो गिटार लगा रखा है, बजाना मुझे बिल्कुल नहीं आता है, ये मैंने लोगो बनवा रखा है अपना, प्रिंट निकलवा रखा है। तो बस अभी चेन बुक्स नीचे कर दी है और यहाँ का एरिया सारा खाली कर दिया है, तो इसको मैं यहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर करने वाला हूँ, लाइटिंग अच्छे से करनी है, इसके बैकग्राउंड में सारी लाइटिंग करूँगा ठीक है। तो बाहर जो है बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो इसके लिए एक ट्रांजिशन करते हैं जिसमें मेरे ऊपर जैकेट आ जाएगी, वैसे मैं टिकटॉक करने ना मैंने कभी रील्स बनाई है ना कभी टिकटॉक की कोई वीडियोज़ बनाई है, तो फटाफट एक ट्रांजिशन करते हैं, लेट्स गो। हो गया ठीक है, जैकेट रेडी पहन लिए, बाहर बहुत ठंड रही है, तो मैं पहले साइकिल दिखा देता हूँ कौन सी साइकिल है और किस कंडीशन में खड़ी है। तो सबसे पहले उसके लिए चाबी ढूंढता हूँ क्योंकि बाहर जो लोग लगा रखे हैं साइकिल जो चोरी हो जाती है, तो उसके लिए लोग लगा रखा है, चाबी मैंने निकाल ली है ये ठीक है। तो आओ पहले साइकिल दिखा दो तुमको। तो ये बैक गेट है एक मेरे रूम से जो बाहर जाता है ना पार्किंग साइड में, तो मैं दिखाता हूँ पहले खोल के, एंड जो साइकिल खड़ी है वो ये खड़ी ठीक है। पहले आप इसकी कंडीशन देख लो, पूरी एक तरह से पूरी एबंडन हो चुकी है, छोड़ चुका था मैं इसे और बेचने तक की बात हो गई थी कि इसे बेच दूंगा, लेकिन अब मैं पहले तो उसका कवर खोल के दिखाता हूँ, और मुझे सही में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि भाई क्या हाल होगा इसके अंदर से। इसकी जो ज़्यादा से दिक्कत हुई है ना वो रिम्स में देखो कितनी ज़्यादा डस्ट हो गई, एक तो उसकी डिस्क ब्रेक पूरे वाला ख़राब ही हो चुके हैं, और ये रोडट्रैक की फैट बाइक मैंने ली थी लॉकडाउन में ली थी, कॉस्ट इसकी हुई 10,000-12,000 ऑलमोस्ट थी। यहाँ मैंने इसका स्पीडोमीटर लगाया था जो वर्किंग में नहीं है अब, तो चेन इसकी पूरी क्लीन है ठीक है, ऑयलिंग वॉयलिंग पूरी करवा के खड़ी कर रखी है, और इसकी यहाँ रिम पे ये सारा ऑयल है, तो इसको निकालते हैं धोऊंगा और फिर देखते हैं इसको चला के थोड़ा बाहर घूम फिर के आएंगे ठीक है, चलो लेट्स गो। वैसे तो मैं कहता रहता हूँ कि बाइक से प्यार करो, अपने व्हीकल से प्यार करो, और अपनी साइकिल का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा मैंने, यदि जो इस कंडीशन में आई क्या करो, चलाने का तो टाइम नहीं मिलता है और ऊपर से क्लासेस चल गई हैं, तो वैसे टाइम नहीं मिल रहा है, तो संडे को मैंने निकाल लेता हूँ, हर संडे तो नहीं, इस संडे लेकिन ज़रूर निकाल रहा हूँ, वरना खड़ी खड़ी तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और यहाँ जंग लग के तो फिर पूरी ख़राब हो जाएगी, तो निकालता हूँ फिर मुझे ये सब नारे स्टार्ट कहाँ से करनी है इसकी वॉशिंग करने की, तो पहले देखते हैं ठीक है, बाहर निकालता हूँ उसको। हाँ मैंने साइकिल खड़ी कर ली है, अपनी स्कूटी वहाँ कर दी है, और अब देखता हूँ उसको मैं किस तरह से वॉश कर सकता हूँ, वैसे तो मुश्किल लग रहा है मुझे इतनी ज़्यादा गंदगी को साफ़ करना है ना, फिर भी कोशिश करते हैं। देखा हमने इसे पानी से साफ़ कर दिया, पता उसके बाद क्या करना है, देख ये चीज़ देख रहा है, देख ये देख रहा है, देख क्या चीज़ है बताए, ये ना इसको मैं तेल यहाँ जो डाला था ना और नीचे गिर के जम गया सारा, अब मुझे तो ये बता साफ़ कैसे होगी, है कोई आइडिया तो दे। हाँ जी हाँ कपड़े तो साफ हो रही है, चलो भाई देखते पर हैं, आगे भी है देख ये रहा ना, ये मुश्किल है बहुत साफ़ करना मुश्किल है, तू मत लगा लगा हाथ गंदे हो जाएंगे, तो ये देखते हैं भाई ये साफ़ कैसे होगा, ये है ना। तो
भाई जो कपड़े का आइडिया दिया था ना सयान ने छोटे से लड़के ने, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। साइकिल से ज़्यादा तो गंदा कपड़ा ही हो गया है, तो इसकी जगह अब हमें कुछ और लेना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका टायर पर ग्रीस है ना वो बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहा है, तो इसकी जगह कुछ और लेते हैं। ठीक है, यही लेना पड़ गया। ब्रश तो हो जाएगा, ब्रश ख़राब था, अंदर शैम्पू डाल के बढ़िया सॉल्यूशन बना लिया है, अब करते हैं साफ। देख साफ हो रहा है ना इससे, तूने दिया था कपड़े का आइडिया, कपड़ा हो गया तो उससे गंदा बहुत ज़्यादा, अब इससे साफ हो जाएगा है ना, क्या लगता है तुझे हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। तो आधे एक घंटे की मेहनत के बाद हो गई साइकिल पूरी क्लीन। अब बता सैन इसके बाद क्या करते हैं? गीली हो रही है ना, तब कपड़े से सूखेगी, तो पूरी कपड़े सुखानी पड़ेगी। टायर तो भैया अब हुए हैं, देख साफ है बिल्कुल, एकदम मस्त चमचमाचम हो गए है ना, है ना, है ना। पहले तो बहुत गंदी थी, तो अब इस पर कपड़ा मारेंगे, फिर इसको वापस खड़ी कर देंगे, फिर अगले हफ्ते दोबारा धोएंगे। ठीक है, अभी टेस्ट राइड की बारी है, हमारे सैन बाबू चलाएंगे। चला लोगे, पकड़ के बिठाऊं? पूरी क्लीन करने के बाद वापस जहाँ आती थी खड़ी कर दिए। ठीक है, कवर वावर ढक के पूरी एकदम, अब लगी ना, नहीं है पहली बार इतनी अच्छी साफ हुई है, तो इस वीडियो को इसके लिए तो एक थम्स अप बनता है ना। चलो फिर अभी देखते हैं, अभी तो संडे बाकी है, देखते हैं क्या करना है आगे। लेकिन वैसे एक बात है, इस कोरोना और लॉकडाउन की वजह से ना जो संडे था ना उसने अपनी जो इंपॉर्टेंस थी वो भाई बिल्कुल खो दी है, क्योंकि सारे दिन अब संडे की तरह ही होते। लेकिन मैंने आज भी संडे को वही इंपॉर्टेंस दी है कि जो अपने काम थे वो सब संडे को ही करें, तो ये वाला काम जो करना था वो संडे को ही करा है। वैसे तो मैं कभी भी कर सकता था, बट संडे को इम्पोर्टेंस देनी थी ना, तो अभी गंदा तो हो ही गया हूँ ऑलमोस्ट। चलते हैं फिर नहा लेते हैं, थोड़ा सह लेंगे थोड़ा ठंडा ठंडा पानी।